अस्सलाम वालेकुम हगार टीवी की तरफ से तमाम सभी देखने और सुनने वालों को, मेरा नाम मोहम्मद जावेद है और मैं सऊदी अरब में रहता हूँ। आज मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोड्यूस इसलिए करवाया है कि काफ़ी लोग मुझसे ये भी सवाल करते थे मैसेंजर पर, तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्यों पूछना चाहते हैं। बस उन्होंने कहा कि हमें पता चलना चाहिए आप कहाँ से हो। मैं सऊदी अरब से हूँ, वैसे मैं पाकिस्तानी हूँ। और आज की जो हमारी वीडियो है, थोड़ी सी छोटी सी शॉर्ट वीडियो है। मैंने वकार जक्का को फॉलो किया हुआ है और उन्होंने एक केस उठाया था, आपको याद होगा, समरीन अरूज का। अल्हम्दुलिल्लाह केस वेंड अप हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है और समरीन को जो है ना सज़ा मिल चुकी है, सेंट्रल जेल में वो मुंतकिल हो चुकी हैं। और काफ़ी मैंने कमेंट्स देखे हैं वकार जक्का के भाई के चैनल पर, और आज मुझे भी एक कमेंट्स आया था समीना जावेद का नाम से एक हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने कमेंट्स किया था कि उसका क्या बना, कंप्लीट हमें बताइए। जो आखिरी जो सेक्शन का जो एक हिस्सा जो होता है जिसे कहते हैं ना, वो एक रहता है कि वो पूरा करना है कि समरीन कहाँ है, कैसे है समरीन की। मैं अभी आपको थोड़ी देर में FIR की कॉपी भी दिखाऊँगा, साथ में उनकी जो बेटी ने क्या क्या बोला था वो भी आपको दिखाऊँगा आपको सारा। उसकी बेटी ने खुद ही FIR कटवाई थी, खुद ही अदालत में जाके बयान दिया था। वकार जक्का भाई को मेरा बस यही है कि बहुत ज़्यादा दिल से सलाम है, खुश रहो, हंसते मुस्कराते रहो और बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अभी एक और केस लिया अपने दिव्या का, ये भी इंशाल्लाह करे कि आप अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर सकें और बस खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरी दुआ है जो भी वकार जक्का भाई को सपोर्ट कर रहा है ज़रूरी सपोर्ट करें, क्योंकि वो अभी चेंज हो चुके हैं, अपनी लाइफ उन्होंने चेंज कर दी है। समरीन का केस आपने देखा किस तरह से हैंडल किया, 12 तक एपिसोड बनाए। अब मेरे ख्याल में शायद उन्होंने लास्ट जो था समरीन का जो FIR थी या उनको जेल का, वो पता नहीं शायद नहीं दिखाया, क्या रीज़न थी क्या वजह थी मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, हमारे अली रज़ा भाई हैं कराची से, वो रज़ा बुगटी के दोस्त थे, उन्होंने उनको फॉलोअप किया हुआ था और सारा उस दिन जब रज़ा बुगटी रिहा हुए उस दिन भी वो सारी वीडियो रिपोर्ट करके एक बनाई थी, हमें सेंड की थी और मैंने अपने चैनल पे लगाई थी। और कल ही मैंने अपने अली भाई को बोला था कि समरीन की FIR की एक कॉपी भेज देना और साथ में मुझे ये भी बता देना कि उसका कहाँ है और कौन से। उन्होंने कहा था कि सेंट्रल जेल पहुँच गए और उनको सज़ा हो चुकी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करें और अगर अच्छी न लगे तो डिसलाइक कर दें, और आपके भाई का अगर चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, ये बहुत खुशी होगी मुझे अगर आप सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। हेलो, हेलो, हाँ बोलो। तो आ जा घर पे। सॉरी मैं नहीं आ रही भाई, मैं बड़ा तंग आ गई हूँ, नहीं आ रही। आ जा मेरे बच्चे। नहीं आ रही, मैं नहीं आ रही। समझा समझा के सारे थक गए, दीबा खाला थक गई, सेल मामू थक गए, आप और आपकी नींद की गोलियां खुश रहें। सॉरी मैं नहीं आ रही, अब मैं दीबा खाला के पास ही रहना चाहती हूँ, मैं नहीं रहना चाहती। और मैंने बोल दिया सब सच, और मैंने ये भी लिखवा दिया है। हाँ फिर दारुल उमान भी जाना है। हाँ सही है, बाहर ही रह सकती। सही है, सही है, कौन सही है।